साहिबगंज जिले में आए दिन अवैध रूप से गंगा घाट के रास्ते नाव के माध्यम से स्टोन चिप्स का कारोबार धड़ल्ले से किया जा रहा है। इसी क्रम में बुधवार की देर रात स्वयं उपायुक्त राम निवास यादव ने गुप्त सूचना के आधार पर मुफसिल थाना अंतर्गत समदा घाट पर अवैध उत्खनन एवं नाव के माध्यम परिचालन को लेकर छापेमारी की गई, जहां उपायुक्त ने पाया कि पत्थर का भंडारण अवैध रूप से कर नावों में लोड किया जा रहा है। इस क्रम में 7 नाव को अवैध खनन तथा परिचालन कार्य में लिप्त पाए जाने पर पकड़ा गया एवं इन्हें जब्त किया गया। साथ ही छापेमारी के दौरान 7 नाव, 4 व्यक्ति, 1 पंप सेट, 50 लीटर डीजल, बैटरी आदि पकड़े गए। छापेमारी के दौरान पाया गया कि सभी नाव को पत्थर लादने के लिए गंगा किनारे लगाया गया था। इस मामले में कुल 16 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है, जिनमें 4 नाव संचालक, 2 उसके मालिक व 10 लोडर शामिल हैं। लोडर विभिन्न क्रशरों से बिना चालान के पत्थर मंगाता है और नाव संचालकों के हाथ बेच देता है। नाव संचालक उसे मनिहारी ले जाते हैं और ट्रक वालों के हाथ ऊंची दाम में बेच देते हैं। गिरफ्तार नाव संचालकों में कटिहार जिले के पप्पू चौधरी, अनिल मंडल, डोमन सहनी तथा भागलपुर जिला का विद्यानंद निषाद शामिल है। इस मामले में नाव मालिक कटिहार के ही गांधी यादव व मुन्ना यादव पर भी प्राथमिकी दर्ज की गई है। साथ ही इसके अलावा लोड कर रहे समदा के गोवर्धन यादव, सुनील यादव, रामवृक्ष यादव, हरे राम यादव, ढूंढवा यादव, मांझी यादव, आनंदी यादव, सियाराम यादव, दीना यादव व भीम यादव पर भी जिला खनन पदाधिकारी विभूति कुमार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। स्रोतों से हमको सूचना प्राप्त हुई थी बार बार कि कुछ व्यक्ति जो है नया नया घाट बनाकर और वहाँ पर चिप्स का डंप करके और उसको फिर रात्रिकालीन में नाव में डालकर इधर झारखंड से बिहार या बंगाल दूसरी तरफ उसका परिचालन करता है, उसको फिर इलीगल मार्केट में वहाँ पर बेचता है। इसी के तहत हम लोगों ने कल रात को हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि समदा नाला के आसपास कुछ लोग जो है ट्रक से चिप्स जो है अनलोड कर रहा है और नाव में उसमें नाव में डालने का तैयारी किया जा रहा है। हमने टीम भेजी थी, टीम ने कुछ लोगों को पकड़ा है, आदमी पकड़ में आए हैं। हालांकि ट्रक कल नहीं पकड़ पाए लोग, पर नाव पकड़ में आई है जो वहाँ खड़ी थी और उन लोग डंप करते हुए व्यक्ति पाए, उन लोगों को पकड़ा गया है। जिन लोगों का उन्होंने नाम लिया है उन लोगों के नाम लेते एफ आई आर किया गया है। अब पुलिस के द्वारा इसमें आगे कहा जो हमारी डिस्ट्रिक्ट माइनिंग टास्क फोर्स की जो टीम है उनको समय समय पर ये आदेश दिया जाता है, निर्देश दिया जाता है कि समय समय पर आप अकस्मात जाके जाँच कीजिए, चेक कीजिए, रेड कीजिए, जो पकड़ में आता है जिनका नाव कि इसमें साफ साफ है माइनिंग एक्ट में, जो जो आइटम चाहे वो नाव हो चाहे व्यक्ति हो जो भी इलीगल माइनिंग में संलिप्त है, तो सबको आइटम को सीज कर आदमी